देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। पेश है प्राइम टाइम बुलेटिन। करप्शन पर मोदी सरकार का दूसरा बड़ा वार, वित्त मंत्रालय के 15 अफसरों को जबरन किया रिटायर, इनमें से ज्यादातर के खिलाफ भ्रष्टाचार और घूसखोरी के लगे हैं आरोप। संसद सत्र के दूसरे दिन ओवैसी के शपथ ग्रहण के दौरान लगे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे, ओवैसी बोले मुझे देखकर प्रभु की याद आई। बिहार में चमकी बुखार से अब तक 108 बच्चों की हुई मौत, 16 की हालत गंभीर, डीएम बोले इलाज से सीएम संतुष्ट। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए लाल केतन शर्मा को दी गई अंतिम विदाई, शहीद मेजर की अंतिम यात्रा में केतन शर्मा अमर रहे के नारों से गूंजा मेरठ। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को किया ढेर, 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले में थे शामिल। अयोध्या आतंकी हमले पर 14 साल बाद आया फैसला, 4 को उम्र कैद 1 बरी, प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने सुनाया फैसला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने की बैठक, लोकसभा अध्यक्ष समेत कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। राहुल गांधी नहीं बने कांग्रेस संसदीय दल के नेता, अधीर रंजन चौधरी को मिली जिम्मेदारी। कई सरकारी कमेटियों और महत्वपूर्ण चयन समितियों में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे रंजन चौधरी। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 85 अंक और निफ्टी 19 अंक की बढ़त के साथ हुआ बंद। यूएन की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 की रिपोर्ट ने किया बड़ा दावा, 8 साल में चीन को पछाड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा भारत, साथ ही दुनिया में बढ़ेंगे बुजुर्ग। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।